ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे इज़ द लास्ट क्लास ऑफ योर एनालॉग कम्युनिकेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ आवर फर्स्ट फिफ्थ यूनिट, दैट इज नॉइज़ फिगर ऑफ कैस्केडेड एम्पलीफायर, नॉइज़ फैक्टर एंड इफेक्टिव नॉइज़ टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. First of all, we will discuss the topic, the term that is noise factor. Okay, first we will discuss what is the mean of noise factor. ठीक है, ध्यान रखिएगा. जैसे जब भी कोई ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ध्यान रखिएगा, when any transmitter transmit the signal, so from the atmosphere end the signal is received to the receiver end. ठीक, this receiver is represented as RX, this transmitter is represented as TX here. ठीक, there are various components, there are the various systems that are connected in the transmitter end, such as modulator, amplifier, filters, etc. Okay, so the noise that is generated inside the system is known as internal noise. Clear? There are various type of internal noise, such as thermal noise, short noise, partition noise, etc. जो मैंने जिनके बारे में मैंने theoretical parts आप लोगों को बता दिया है. ठीक है, जब ये नॉइस एटमॉस्फेयर से होके जाती है तो एटमॉस्फेयर में कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी होते हैं, है ना. एटमॉस्फेयर में कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमारे सिग्नल को और इफेक्ट करते हैं. क्लियर बात है. ये जो हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट है, ये इनको भी हम नॉइस कहेंगे, लेकिन इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल नॉइस. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिसीवर में डेटा पहुँचेगा तो वो पूरा नॉइजी डेटा होगा. बात समझ में आई? तो जब हम नॉइस सिग्नल को, नॉइस को स्टडी करते हैं या डिफरेंट पैरामीटर ऑफ नॉइस को स्टडी करते हैं, तो हम हमेशा रिसीवर साइड से उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. रिसीवर के अंदर जितने डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने नॉइस को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि किस सिस्टम से नॉइस पर कितना इफेक्ट होता है. बात सबको समझ में? क्योंकि जब डेटा रिसीव होगा बेटा, तो रिसीवर में भी तो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होंगे. एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे में जाएगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे में जाएगा, तीसरे का आउटपुट चौथे में जाएगा. बात समझ में? तो जब हर सिस्टम से होके हमारा सिग्नल पास होगा, तो डेफिनेटली जो हमारे नॉइस कंपोनेंट है वो भी कुछ ना कुछ, जो हमारे ऐड हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ चेंज होते जाएंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुए हैं या जो हमारे थर्मल नॉइस में ऐड हुए हैं. बात सबको समझ में आई यहाँ तक? सबको समझ में आई यहाँ तक? अब बात आती है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने रिसीवर को चेंज करेंगे. लेकिन देखो, यहाँ पे ध्यान देना, हम जानते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल नॉइस होती है वो, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. तो हम इसके लिए अपने सिस्टम को बस रोबस्ट बना सकते हैं, इम्यून बना सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में चेंजेस नहीं कर सकते. बात समझ में? क्योंकि इसकी वैल्यू प्रिडिक्टेबल नहीं है. लेकिन जो हमारे ट्रांसमीटर के अंदर जो इंटरनल नॉइज़ जनरेट होती है, दैट इज़ उनमें से सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है थर्मल नॉइज़ का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसके कारण हमारे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन के कारण करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. तो जो हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं थर्मल वोल्टेज, और उसी को हम लोग एक नॉइज़ की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, है ना. उसी को हम लोग एक नॉइज़ मानते हैं, है ना. तो हमारा कंट्रोल है उस थर्मल नॉइस पे. हम उस थर्मल नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस थर्मल नॉइस के अकॉर्डिंग रिसीवर में कुछ ऐसी सेटिंग कर सकते हैं ताकि हम एग्जैक्ट डेटा रिसीव कर सकें, या फिर हम अपने डेटा को प्रिडिक्ट कर पाएं कि हमारे डेटा क्या था जो हमने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया था. बात सबको समझ में? तो इन्हीं सब बातों के एनालिसिस के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिजाइन करते हैं, जो मैंने आप लोगों को एक पैरामीटर बताया था, जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो था, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, है ना. उसमें मैंने बताया था कि देयर आर द वेरियस पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड द इफिशियंसी ऑफ एनी सिस्टम, है ना, टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एनी कम्युनिकेशन. आउट ऑफ देम वन पैरामीटर इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इट दैट इज ऑल्सो नोन एज SNR, है ना. मैंने पिछले लेक्चर में ये सब बताया आप लोगों को SNR के बारे में, है ना. SNR मतलब क्या होता है बेटा? SNR मतलब क्या होता है? जो हमारा सिग्नल है
जो हमने सिग्नल प्रोवाइड किया। जैसे जब भी कोई सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं ना बेटा, कोई भी सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो इसको एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह स्टडी करते हैं। दैट मीन्स इसमें सिग्नल भी जा रहा है और इसमें हमारा नॉइज़ भी जा रहा है ना। वैसे और आई क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा इनपुट साइड है। बात सबको समझ में आई यहाँ तक, है ना। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका जो आउटपुट है, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया एस नॉट। एस नॉट इज रिप्रेजेंटेड सिग्नल आउटपुट, सेम एज एन नॉट रिप्रेजेंट द नॉइस आउटपुट। बात यहाँ तक सबको क्लियर है। एस आई रिप्रेजेंट द सिग्नल इनपुट, एन आई रिप्रेजेंट द नॉइस इनपुट, एस नॉट रिप्रेजेंट द सिग्नल आउटपुट, एन नॉट रिप्रेजेंट द नॉइस आउटपुट। बात सबको समझ में। तो जब हम लोग एसएनआर कहते हैं, ना, क्या कहते हैं हम लोग, जब हम कहते हैं एसएनआर, ध्यान दीजिए सभी, जब हम कहते हैं एसएनआर स्टैंड्स फॉर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, है ना। और अगर मैं इसके बाजू में यहाँ पे आई मेंशन कर दूँ, तो इसका मतलब होता है इनपुट सिग्नल डिवाइड बाय नॉइस सिग्नल। इसी का दूसरा मतलब होता है एस आई डिवाइड बाय एन आई, इनपुट सिग्नल डिवाइड बाय नॉइस इनपुट। बात सबको समझ में आई। अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे या जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें ये जो पी आई है या ये जो भी इनपुट सिग्नल है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है पी एस से। बात सबको समझ में आई। ये जो एस आई है उसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है पी एस से, जो एन आई है उसका रिप्रेजेंट किया गया है पी एन से, ठीक है। तो उस केस में हम लोग सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या बोलेंगे, पी एस डिवाइड बाई पी ऑफ एन। बात यहाँ तक क्लियर। ये पोर्शन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, है ना। तो कभी भी किसी भी, अच्छा ये जो सिग्नल है और ये जो नॉइस है बेटा, ये क्या है, ये दोनों पावर है ना, सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर। बात सबको समझ में आया। तो किसी भी नॉइस की या किसी भी कम्युनिकेशन की इफिशियंसी को, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पहला पैरामीटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो यही है हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो। बात समझ में। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द इनपुट साइड, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द आउटपुट साइड, और वी कैन कैलकुलेट इट इन टू इनपुट साइड एज वेल एज इन द आउटपुट साइड फॉर फाइंडिंग द कम्प्लीट परफॉर्मेंस, फॉर चेकिंग द कम्प्लीट परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। नाउ दिस वन इज द फर्स्ट पैरामीटर। नाउ इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज नॉइज फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, नॉइस फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एफ। क्लियर बात यहाँ तक सभी को। ऑलवेज द नॉइस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इन द इनपुट साइड, एज वेल एज सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन द आउटपुट साइड। क्लियर बात यहाँ तक सभी को, सभी तो को यहाँ तक क्लियर है। नॉइस फैक्टर मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन द इनपुट साइड एज वेल एज सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन द आउटपुट साइड। एंड व्हेन वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, हमेशा ध्यान रखना बेटा, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द गेन एट द टाइम वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द गेन और व्हेन वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द गेन ऑफ एनी सिस्टम, एट द टाइम वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ आउटपुट बाई एन। That means at that time the output is in the numerator side and input is in the denominator side. But when we are calculating the noise factor at that time, it is the ratio of input and output, SNR input as well as SNR output. Now is it clear to all of you? Now when we expand this SNR term, so we can write it as SI divided by NI divided by SO divided by NO. क्लियर है यहाँ तक सभी, ठीक। सो दिस वन इज़ द नॉइस फैक्टर, अगर मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सपांड करूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एस आई डिवाइड बाई एन आई मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट डिवाइड बाई एस नॉट क्लियर यहाँ तक सभी को। When we represent noise factor, so in terms of S and N, so we can write it as SI divided by NI into N naught divided by S naught. Now is it clear to all of you? Now
वी नो दैट व्हेन वी कैलकुलेट द गेन व्हेन वी कैलकुलेट द गेन व्हेन वी कैलकुलेट द गेन ऑफ दिस सिस्टम एट दैट टाइम द गेन ऑफ इज दैट सिस्टम इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट. If the output of this electrical system is if the output of this electrical system is S naught and the input of this electrical system is SI, and so that we can write it as G equal to so we can write it as G equal to S naught divided by SI. Okay, this one is the gain. This one is the gain, and it is only applicable. It is only applicable when we consider the signal. When we consider the signal. ठीक है, अगर मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ तो सिग्नल के केस में जो हमारा गेन है वो एस नॉट बाई एस आई हो जाएगा. सो इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस नॉइज फैक्टर इन टर्म्स ऑफ गेन सो हियर द टर्म्स इज एस आई डिवाइड बाई एस नॉट. हियर यू कैन सी दिस वन इज द एस आई एंड दिस वन इज द एस नॉट. बट फॉर द गेन द रेशियो इज एस नॉट डिवाइड बाई एस आई. सो इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस एफ इन टर्म्स ऑफ दिस जी सो वी कैन राइट इट एज एस आई डिवाइड बाई एस नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन जी. सो वी कैन राइट इट एज 1 upon g into n naught divided by ni. So we can write it as 1 upon g n naught divided by ni. Clear yahan tak sabhi ko? So we can write it as n naught equals to, so we can write it as n naught equals to f into g into ni, f into g into ni. क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो दिस एन नॉट इज नथिंग बट अ आउटपुट नॉइज पावर. दिस एन आई इज नथिंग बट अ इनपुट नॉइज पावर इन एनी सिस्टम. ओके, एंड दिस एफ इज द नॉइज फैक्टर. दिस जी इज द गेन ऑफ द सिस्टम एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड द इनपुट पावर. नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ In last lecture, when we are discussing the thermal noise, at that time, we have find that input noise power equals to at that time we have find input noise power equal to KTB. क्लियर है? इनपुट नॉइज पावर मतलब ये, इसको मैं एन आई, अभी क्योंकि मैं पूरा रिप्रेजेंटेशन एन आई और एस आई के टर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये जो नॉइज पावर है इसको मैं एन आई भी कह सकता हूँ. नॉइज पावर, जैसे मैं यहाँ पे नॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एन आई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनपुट नॉइज, दैट मीन्स जो हमारा एन आई है वो भी हमारा नॉइज पावर है. नॉइज पावर की वैल्यू क्या है? के टी बी. वेन वी आर एज्यूमिंग दैट ओनली थर्मल नॉइज इज इफेक्टिंग इन द सिस्टम, है ना, तो इस एन आई की जगह अगर मैं के टी बी लिख दूँ तो सीधे सीधे मुझे एन नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एन नॉट, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन नॉट इक्वल टू एफ इंटू जी इंटू के टी बी. क्लियर? ये सभी को क्लियर है तो? ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को याद रखने हैं. दीज इक्वेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द आउटपुट नॉइज इक्वेशन, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट नॉइज. यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद की तरफ हम लोग जा रहे हैं. ठीक है, ये हमारा क्या हुआ बेटा? ये हमारा हुआ नॉइज़ फैक्टर. क्लियर यहाँ तक सभी को? मैंने जो नॉइज़ फैक्टर यहाँ पे आप लोगों को बताया, ठीक है यहाँ तक सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं. आगे अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़ रहे थे या जब हम लोग सिग्नल के टर्म में स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारा गेन होता है वो तो डायरेक्ट एस नॉट डिवाइड बाई एस आई हो जाता है ना. लेकिन क्या नॉइस के केस में भी ऐसा ही है? अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके नॉइस के लिए इक्वेशन निकालूँ तो नॉइस के लिए तो यहाँ पे क्या होता है? एन नॉट डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जी नहीं आता है, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पे आ रहा है. वो कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है जो यहाँ पे आ गया बेटा? ये कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है जो यहाँ पे आ गया? वो है हमारा जी और एफ, है ना. मतलब एक टर्म हमारा जी भी आ गया और एक टर्म हमारा एफ भी आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द सिग्नल ओनली एट दैट टाइम गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट दैट टाइम दिस गेन इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट. बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द नॉइस एट दैट टाइम दिस रिलेशनशिप इज नॉट फुलफिल द कंडीशन दैट इज अप्लाइड इन द सिग्नल केस, है ना, क्योंकि इस कंडीशन पे हमें एक और टर्म मिल रहा है दैट इज नॉइज फैक्टर.
बात समझ में। अच्छा, ये नॉइस फैक्टर कहाँ से आ गया भाई? सिग्नल जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तब तो ऐसा कोई फैक्टर आया ही नहीं था, ये फैक्टर कहाँ से आ गया, ये एफ फैक्टर कहाँ से आ गया? अब जब इसको चेक किया गया तो इसमें देखा गया, ध्यान देना सभी, ध्यान देना सभी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है हमारा रिसीवर। रिसीवर के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, इसमें हमारा इनपुट आता है सिग्नल इनपुट, और इसमें हमारा सिग्नल आउटपुट यहाँ पे जा रहा है ना। वैसे ही हमारे यहाँ पे नॉइस आउटपुट भी मैं एस नॉट कह सकता हूँ, यहाँ पे नॉइस इनपुट एन आई मैंने मेंशन किया, और जो हमारा सिग्नल इनपुट है वो मैंने मेंशन किया एस आई। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस सिस्टम को स्टडी करता हूँ तो आउटपुट आउटपुट सिग्नल पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनपुट सिग्नल पावर, है ना। मतलब एस नॉट इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई एस आई, बट दिस कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड इन द केस ऑफ नॉइज़। इन द केस ऑफ नॉइज भी ऐसे ही होना चाहिए था, एन नॉट इक्वल टू जी इन टू एन आई ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो एफ है ये कहाँ से आ गया, इसको पता करते हैं। तो ये जो एफ आई है बेटा, ये हमारे इस जो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, देखिए बेटा। अगर आप लोगों को सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर याद होगा, या इससे पहले जो मैंने डिफरेंट रिसीवर आप लोगों को पढ़ाया, अगर आप लोगों को वो याद होंगे तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले हमारा इन रिसीवर में सबसे पहले डेटा किस में आता है, एम्पलीफायर में आता है ना। एम्पलीफायर के बाद किस में जाता है, मिक्सर में जाता है। मिक्सर के बाद किस में आया है, मिक्सर के बाद आई एफ एम्पलीफायर में आया है ना। आई एफ एम्पलीफायर के बाद किस में जाता है, मॉड्यूलेटर में जाता है। मॉड्यूलेटर के बाद फिर से करंट एम्पलीफाई करने के लिए भी एक डिवाइस लगा होता है ना, करंट एम्पलीफायर करने के लिए एक और एम्पलीफायर लगा होता है। उसके बाद तो हमारा डेटा रिसीव होता है टोटली, ये पूरा रिसीवर के अंदर इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि ये वाले सिस्टम में इनपुट तो था, ध्यान यहाँ पे सभी दीजिएगा, ये वाले सिस्टम में इनपुट तो था एन आई सिग्नल नॉइस इनपुट, सिग्नल इनपुट था एस आई, सिग्नल आउटपुट था एस नॉट, नॉइस आउटपुट था एन नॉट, है ना। अब मैं सिग्नल आउटपुट और सिग्नल इनपुट के बीच में रिलेशन देखा तो वो तो गेन के मल्टीप्लिकेंट के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे जब मैं नॉइस के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ तो नॉइस तो डायरेक्टली गेन के फॉर्म में रिलेट नहीं कर रहा, यहाँ पे एक अदर फैक्टर एफ भी आ रहा है। तो ये कहाँ से आया, इसका मतलब ये हुआ कि इस एम्पलीफायर के कारण भी कुछ नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। सभी ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सम नॉइस इज ऑल्सो जनरेटेड ड्यू टू दिस एम्पलीफायर, है ना। तो कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में बेटा इस नॉइज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है पी एन ए से, नॉइज़ ड्यू टू एम्पलीफायर, नॉइज़ दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एम्पलीफायर, उसको पी एन ए कुछ बुक्स में लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ एम्पलीफायर के कारण जो नॉइस आई है और कुछ इनपुट के कारण जो नॉइस आई है, ये दोनों के ऐड होने के कारण ही आउटपुट नॉइज़ में वैसा रिलेशन, आउटपुट नॉइज़ और इनपुट नॉइज़ के बीच में वैसा रिलेशन नहीं आ पाया है जैसा आउटपुट सोर्स और इनपुट सोर्स के बीच में आ पाया है, आउटपुट सिग्नल पावर और इनपुट सिग्नल पावर के बीच में आ पाया है। सबको बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मुझे इस पी एन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू कैसे होगी, सभी ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, सभी ध्यान दीजिएगा, आउटपुट नॉइज़ देखो, ये जो हमें आउटपुट नॉइज़ यहाँ पे ये आई, इस पी एन ए की वैल्यू मैं बोलूँ तो इस पी एन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस एन नॉट माइनस जो हमारा गेन वाला फैक्टर है उसके इक्वलेंट होनी चाहिए। तो इस पी एन ए की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इस पी एन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पी एन ए की वैल्यू होनी चाहिए जो हमें टोटल जो हमने रिसीव किया है, दैट मीन्स एफ जी एन आई, है ना। क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू, एफ जी एन आई, ये कौन सी है जो एक्चुअल हम रिसीव कर रहे हैं, बात समझ में आई यहाँ तक, जो एक्चुअल हम रिसीव कर रहे हैं, और जी एन आई, जी एन आई है ना, ये इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, मतलब जो थर्मल नॉइस के कारण यहाँ पे जो हमारा, मतलब ये प्रोड्यूस होना चाहिए था, ऐसा हम लोग सिंपल समझते हैं, ये प्रोड्यूस होना चाहिए था, क्योंकि जैसे हम लोग सिग्नल के बीच में रिलेशन देखते थे ना बेटा, एस नॉट इक्वल्स टू जी एन, एस नॉट इक्वल टू जी एस आई, ऐसा देखते थे, वैसे एन नॉट इक्वल टू जी एन आई भी होना चाहिए था, मतलब एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल आ कैसा रहा है ये, तो मैं इसको कह सकता हूँ दिस वन इज़ द प्रिडिक्टेड एंड दिस वन इज़ द एक्चुअल। तो अगर मैं एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँ, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँ, सो वी विल गेट, सो वी विल गेट द, वी विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ नॉइज दैट इज जनरेटेड ड्यू टू एम्पलीफायर। सो वी विल गेट हियर एफ माइनस वन इंटू जी इंटू एन आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा।
पीएनए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। दिस पीएनए इज नथिंग बट अ नॉइज जनरेटेड ड्यू टू एम्पलीफायर, है ना, एंड इट इज इक्वलेंट टू एफ माइनस वन इंटू जी इंटू एन आई। ओके, हियर एफ इज द नॉइज फैक्टर, हियर एफ इज द नॉइज फैक्टर, जी इज द गेन ऑफ द सिस्टम, जी इज द गेन ऑफ द सिस्टम एंड एन आई इज द इनपुट नॉइज ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार अभी आगे यूज होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतने पोर्शन के बाद हमें नॉइस फैक्टर समझ में आ गया क्या है। नॉइस फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया था, दिस एफ इज नथिंग बट अ नॉइस फैक्टर, एंड वी ऑल्सो चेक हाउ नॉइस फैक्टर इज इफेक्टेड इन एम्पलीफायर, नॉइस फैक्टर का एम्पलीफायर में क्या रोल होता है, हम लोगों ने ये भी यहाँ पे देख लिया। बात यहाँ तक सबको समझ में आई, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज नॉइस फिगर। सेकेंड पॉइंट इज नॉइस फिगर, ध्यान रखिएगा सभी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट इज नॉइस फिगर। दिस नॉइस फिगर इज ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मैरिट, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये मुझे, इसके पहले मुझे नॉइस फैक्टर बताने की क्यों जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि ये जो टर्म है ना बेटा, नॉइस फिगर और फिगर ऑफ मैरिट, ये कहाँ से आया है, ये हमारा सीधे सीधे आया है ये वाला टर्म हमारा नॉइस फैक्टर से, है ना। तो अगर हम लोग नॉइस फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, नॉइस फैक्टर अगर हम लोग नहीं समझेंगे, तो हम लोग फिगर ऑफ मेरिट या नॉइस फिगर भी नहीं समझ पाते, है ना। इसलिए पहले मुझे आप लोगों को नॉइस फैक्टर बताना पड़ा, ठीक है। तो नॉइस फैक्टर हम लोग समझ गए, नॉइस फैक्टर इज नथिंग बट एस एन आर इन द इनपुट साइड एज वेल एज एस एन आर इन द आउटपुट साइड, वैन वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एस एन आर इन द इनपुट एज वेल एज एस एन आर इन द आउटपुट, सो वी विल गेट द नॉइज फैक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एफ। क्लियर बात यहाँ था कि हम लोग ने पहले स्टडी किया है। नाउ वैन वी रिप्रेजेंट, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वैन वी रिप्रेजेंट दिस नॉइज फैक्टर, वैन वी रिप्रेजेंट दिस नॉइज फैक्टर एफ इन टर्म्स ऑफ डी बी, when we represent f in terms of db, at that time this noise factor is known as, at that time this noise factor is known as noise figure. इस समय हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटा, noise figure कहेंगे, है ना। at that time this noise factor is known as noise figure. clear है, यहाँ पे हम इसको noise factor कहेंगे because it is not in the form of db. clear बात, that's why we have written here this one is the noise factor, this one is the noise factor, but when we represent it into terms of db, so at that time we can say it as noise figure. clear बात, अच्छा noise figure is same as ye noise figure is same as noise factor instead of db, है ना। अच्छा जब हम लोगों ने नॉइस फैक्टर देखा था, तो उस समय हमने देखा था सिग्नल टू नॉइस रेशियो। नाउ व्हाट इज द सिग्नल, सिग्नल इज सिग्नल पावर। ओके, इट मीन्स दैट हियर वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर एंड नॉइज पावर, है ना। तो जो भी हमारा कंसर्न पैरामीटर वो हमारा पावर है, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, व्हेन वी रिप्रेजेंट पावर इन टर्म्स ऑफ डीबी, एट दैट टाइम वी हैव टू टेक द 10 log. तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, 10 log SNR इनपुट, 10 log SNR इनपुट डिवाइड बाय 10 log SNR आउटपुट, 10 log SNR input डिवाइड बाई 10 log SNR output. बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा होता है, दिस टर्म रिप्रेजेंट द नॉइज फिगर और फिगर ऑफ मैरिट। क्लियर बात, इसको भी सेम हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने अभी नॉइज फैक्टर को सॉल्व किया था, तो हमें क्या मिला था बेटा लास्ट में, नॉइज फैक्टर को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, 10 log मिला था। इसको मैं 1/g मेंशन कर दिया था, इसको मैं 1/g मेंशन कर दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ गया था, ऐसा ही डिवाइड बाई एन आई, तो यहाँ पे क्या आ गया था, n0 डिवाइड बाई एन आई, ऐसे ही कुछ हमारा टर्म आया था, है ना। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसको और लिख सकता हूं, FDB that is figure of merit equals to 10 log of 1/g, 10 log of 1/g. इसको आप और समराइज कर, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 10 log 1 equals to 0 हो जाएगा, और माइनस 10 log जी हो जाएगा, तो माइनस 10 log g भी इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन को जब हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारा एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन वो हमारा एडिशन में चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग n0 by ni भी कह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को,
ठीक है, तो नॉइस फिगर को सॉल्व करने के चाहे आप ये डायरेक्टली, ये हमारा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है नॉइस फिगर, दैट इज एफ इन टर्म्स ऑफ डी इक्वल्स टू 10 log SNRI 10 log SNRO, और उसको हम लोग और अगर एक्सपांड करें तो हम लोग उसको इस फॉर्म में भी, उसको हम लोग इस फॉर्म में भी मैंसन कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 1 को मैं और चेंज कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, कैसे, 10 log 1 - 10 log g, 10 log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओनली वी विल गेट 10 log - 10 log g प्लस 10 log n0 - 10 log ni, अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सपांड करना चाहता हूँ तो। बात यहाँ तक सबको समझ में? सो दिस वन इज़ द नॉइस टेम्परे सो दिस वन इज़ द नॉइस फिगर एंड द नॉइस फैक्टर एंड ऑल्सो वी हैव सीन हाउ कैन वी कैलकुलेट द नॉइस ड्यू टू एम्पलीफायर, जो मैंने अभी आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया था, f-1 × g × t, कुछ हम लोगों ने इस टाइप का भी निकाला था ना पिछले स्लाइड में, जो हम लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को PNA की वैल्यू बताई थी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने नॉइज़ ड्यू टू एम्पलीफायर फायर, नॉइज़ फैक्टर, नॉइज़ फिगर, फिगर ऑफ मेरिट, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, अब जो मैं आप लोगों को SI और NI लेके समझाया था, आपके नोट्स में ये PSI और PNI के फॉर्म में है, है ना, जो मैंने आप लोगों को SI और NI लेके समझाया था आपके नोट्स में, वो PSI PNI के टर्म में है, ठीक है। जो आउटपुट मैंने एस नॉट लिया था, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग वो PSO, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस है, ठीक, जो मैंने आप लोगों को जी बताया था। फिर लास्ट में जो हम लोगों ने एक्स आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाला था नॉइस आउटपुट के लिए, नॉइस फिगर जो मैंने बताया था, हियर इज सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू, हियर इज सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ नॉइस फैक्टर, है ना, जो मैंने नॉइस फैक्टर बताया है, नॉइस फैक्टर का ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन होता है ना, अकॉर्डिंग टू द, अगर सारे टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अच्छा, एक चीज़ और, नॉइस फैक्टर दैट मीन्स कोई भी हमारा डीबी में नहीं होगा। अगर आप लोगों को नॉइस फिगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, एट द टाइम यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ डीबी, है ना, इफ इट इज़ अ पावर, सो फॉर कन्वर्टिंग पावर इनटू डीबी यू हैव टू टेक 10 log of this, यू हैव टू टेक 10 log of this, यू हैव टू टेक 10 log of this, ऑल्सो यू हैव टू टेक 10 log of this, ओके, वैन वी नीड टू कैलकुलेट द नॉइस फिगर, है ना। लेकिन अगर नॉइस फैक्टर बोला जाता है तो नॉइस फैक्टर में कोई डीबी आता नहीं, इसलिए सारे की वैल्यू को हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, हम लोगों को मिल गया। बात समझ आए? अगर डीबी में कैलकुलेट करना है, नॉइस फिगर कैलकुलेट करना है, तो नॉइस फैक्टर निकाल लो, सीधे सीधे उसको 10 log ले लो, नॉइस फिगर की वैल्यू आ गई। तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि अगर आप लोगों को डीबी में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि सबसे पहले सीधे सीधे नॉइस फैक्टर निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 log कर लो, तो आप लोगों का नॉइस फिगर की वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट, है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे सब चीज़ डीबी के टर्म्स में दिया है, अब जब अगर सिग्नल सब कुछ डीबी के टर्म्स में दिया है, तो डायरेक्टली आप लोगों को नॉइस फिगर वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या बताया था हम लोगों ने, क्या देखा था हम लोगों ने उस समय, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, SNR इनपुट डिवाइड बाई SNR आउटपुट, ठीक है। तो ये SNR न्यूमरेटर के टर्म में है तो ये सामने आ गया, डिनोमिनेटर के टर्म में है तो वो हमारा माइनस के फॉर्म में पीछे आ गया, सिर्फ वही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को भी, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी परेशानी, कुछ भी अगर समझ नहीं आएगा, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो एम्पलीफायर नॉइस है, जिसको मैंने एफ के टर्म्स, एम्पलीफायर नॉइस इन टर्म्स ऑफ एफ, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले पूरा सॉल्व करके समझाया है ना, वो है ये पी ऑफ एन ए बताया था मैंने, f-1 × kTb, वही है यहाँ पे, वहाँ पे उस जो मैंने समझाया था उसी को यहाँ पे डेरिवेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है ना। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पे एक बार ले सकते हैं, बाकी मैंने जो समझाया था मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग उसी को वैसा ही आप लोग कीजिए, है ना, अदरवाइज ये नोट्स के फॉर्म में आप लोग ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये नोट्स के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये नॉइस एम्पलीफायर, मतलब जो भी मैंने आप लोगों को एम्पलीफायर बताया था ना, जिसका गेन है जी और ये है एफ,
जिसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारा सिग्नल आउटपुट होता है, अभी हम लोगों ने देखा था सिग्नल आउटपुट और सिग्नल इनपुट के बीच में, सिग्नल आउटपुट और सिग्नल इनपुट के बीच में केवल और केवल जी का रिलेशन होता है। बट अगर हम लोग नॉइस की बात करते हैं ना बेटा, तो नॉइस के केस में ये फैक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। बात समझ में? ये वाला फैक्टर मैंने बताया था, ये फैक्टर क्यों आया है बेटा, ये फैक्टर आया है इसी एम्पलीफायर के इंटरनल नॉइस के कारण। बात समझ में आई? ये फैक्टर क्यों आया है, ये फैक्टर इसी नॉइस के कारण आया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्मल नॉइस है, ये हमारा थर्मल नॉइस है ना। ये थर्मल नॉइस तो हमारे ट्रांसमीटर साइड से जब सिग्नल ट्रांसमिट किया गया होगा तभी ऐड हो गई होगी, क्योंकि ट्रांसमीटर साइड में तो अभी भी तो सिस्टम लगा है। लेकिन जब हमारा डेटा रिसीवर साइड में आया, जब हमारा रिसीवर डेटा रिसीवर साइड में आया, तो एम्पलीफायर में इतनी नॉइस और ऐड हो गई। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो इस नॉइस को कंपनसेट करके आउटपुट में हमें जो मिला PN, आउटपुट में जो हमें मिला वो हम लोगों ने लिया KTBN, क्योंकि इंटर अगर हमें हमें समझ में आ गया है कि इस एम्पलीफायर में के अंदर कितनी नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स PNA की वैल्यू कितनी है ना। अगर हमें PNA की वैल्यू कितनी है, तो हम अपने सिस्टम्स में हम अपने एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज करके इस नॉइस को कंपनसेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वी नो दैट दिस के इज़ अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, 1.38 × 10⁻²⁰ जूल पर कैल्विन। क्लियर है? ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, ये तो हमारा टेम्परेचर। हम लोग इस टेम्परेचर से हम लोग इसको कंपनसेट कर सकते हैं, या तो हम लोग ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ से इसको कंपनसेट कर सकते हैं और आउटपुट हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे द रिलेशन बिटवीन द डिवीज़न बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में करेंगे बेटा, तो हमें f-1 × f मिलेगा, f-1 × f मिलेगा। ये हमारा इनपुट में जो भी हमारे एम्पलीफायर के इनपुट में नॉइस आई, एम्पलीफायर के आउटपुट में जो भी नॉइस है, दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे तो f-1/f आएगा। क्लियर बात यहाँ तक सभी को है ना? अब ये हमारा जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा है ना, जो भी हम लोगों ने अभी तक नॉइस एम्पलीफायर में जो भी नॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो हमने देखा। अब अगर हम लोग इसी को टेम्परेचर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट नॉट व्हाट इज़ द मीन ऑफ इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर को हम लोग TE से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर को हम लोग TE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ इफ टी इज़ रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, सो नॉइस पावर इज़ दैट है ना। जो भी हमारा एम्पलीफायर का नॉइस है उसको हमने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आई? ठीक है, जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, अगर मैं नॉइस अगर सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर का एम्पलीफायर के नॉइस को कैलकुलेट करना हो, क्योंकि देखो बेटा सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि थर्मल नॉइस मतलब क्या होता है। थर्मल नॉइस मतलब होता है KTB होता है। अगर मैं एम्पलीफायर के केस में जा रहा हूँ तो एम्पलीफायर का जो भी इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा, अगर मुझे वो पता चल गया जो जिसको मैंने यहाँ पे TE लिखा है, तो उससे मैं इस एम्पलीफायर की नॉइस कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये नॉइज़ ड्यू टू एम्पलीफायर हो गया है ना। लेकिन अभी अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है नॉइज़ एम्पलीफायर की नॉइस f-1 × KTB। तो अगर मैं दोनों को आपस में रिलेट करूँगा तो यहाँ से मुझे इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर का इक्वेशन मिल जाएगा, और ये इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर का यहाँ से इक्वेशन मिल गया। ये देखिए, दिस वन इज़ द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, दिस TE इज नोन एज इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, दिस f इज़ द नॉइस फैक्टर। बात समझ में? तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना नॉइस के, तो वहाँ पे ये सब पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा सभी। नाउ द लास्ट लास्ट वन इज़ द नॉइस टेम्परेचर ऑफ कैस्केडेड नेटवर्क। अब कैस्केडेड नेटवर्क ये वाला टर्म यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये वाला टर्म यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस बेटा ये था कि हम जानते हैं कि जब भी कोई रिसीवर होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जब समझा रहा था तो मैंने बताया था कि वहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे एम्पलीफायर हो गया, जैसे मिक्सर हो गया, जैसे IF एम्पलीफायर हो गया, जैसे मॉड्यूलेटर हो गया, तो सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ तो कैस्केड में कनेक्ट होते हैं। तो जब एक का आउटपुट जाएगा तो दूसरे में इनपुट जाएगा है ना। तो क्योंकि देखो बेटा, अगर पहले सिस्टम में जो नॉइस ऐड हो गई है वो दूसरे सिस्टम को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगी, दूसरे सिस्टम में जो नॉइस आई है वो तीसरे को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगी, तीसरे में जो नॉइस आई है वो चौथे को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगी। बात सबको समझ में आई यहाँ तो? क्लियर है? जैसे अगर मैं इसी को आपको समझाना चाहूँ, सपोज़ ये मेरे सारे सिस्टम हैं, दीज ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज, दीज ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इनटू कैस्केड है ना। मैंने चार सिस्टम यहाँ पे बनाए, ठीक, S1 S2 S3 S4 कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, यहाँ से इनपुट आ रहा है, इस सिस्टम का मैंने गेन मान लिया G, इस सिस्टम का मैंने गेन मान लिया G1, टेम्परेचर मान लिया T1
है ना, और इसका जो भी इक्वलेंट टेम्परेचर है, और जो भी मैंने इसका नॉइस फैक्टर मान लिया F1, क्लियर बात। वैसे इसका मैंने मान लिया G2, T2, F2, है ना, वैसे मैंने इसका G3, T3, F3 मान लिया। G3, T3 थर्ड सिस्टम में टेम्परेचर, इक्वलेंट टेम्परेचर T3, और इसका जो भी नॉइस फैक्टर है उस F3 मान लिया। वैसे ही मैंने यहाँ पे मान लिया G4, T4, F4, ऐसे मैंने सारे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसका ओवरऑल आउटपुट आएगा। अब जब जो भी नॉइस होगी बेटा, जब वो नॉइस यहाँ पे आएगी, जो भी नॉइस यहाँ पे आएगी, तो इस सिस्टम के कारण कुछ चेंजेस होगा इसमें। तो यहाँ पे जो नॉइस आएगी, यहाँ पे जो नॉइस आएगी वो इस नॉइस से थोड़ा वेरी करेगी, क्योंकि इसका गेन भी इसके साथ मर्ज होगा, इसका नॉइस फैक्टर भी इसके साथ मर्ज होगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो नॉइस आएगी बेटा वो कितनी आएगी, यहाँ पे जो नॉइस आएगी वो तो हमारी होगी F1 इंटू G1 इंटू KTB। बात सबको समझ में आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी हमारा F था, ध्यान रखना, से जो भी हमारा यहाँ पे इनपुट आया था उसके कारण यहाँ पे हम इस पहले वाले ब्लॉक के कारण इसमें चेंज हुआ और आउटपुट में हमें ये वाली नॉइस मिली। सबको समझ में आया था? तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो डेरिवेशन था, हमारा ऊपर वाला जो डेरिवेशन था, आप लोग यहाँ से देखिएगा, यहाँ ऊपर वाला जो डेरिवेशन था, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था, देखिएगा, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक ब्लॉक आ रहा है, एक ब्लॉक मतलब हमारा इनपुट, अगर इनपुट नॉइस फैक्टर अगर एफ है, तो इसके कारण आउटपुट में जो हमारा है वो एफ माइनस, अगर इनपुट में मेरा F-1 है तो आउटपुट में मेरा एफ हो जा रहा है ना। मतलब ये इस ब्लॉक के कारण, इस एम्पलीफायर के कारण कितना उसमें चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर बात। तो इसी को देख कर, इसी का यूज़ करके एक साइंटिस्ट थे फ्रिज, उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, है ना, उसको उन्हीं के नाम पे फ्रिज फॉर्मूला कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इफ़ देयर आर सेवरल सिस्टम्स दैट आर कनेक्टेड इनटू सीरीज, सो अकॉर्डिंग टू द कनेक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द कनेक्टिविटी इज नॉट नो इट्स नॉइस फैक्टर विल चेंज्ड, एंड द ओवरऑल नॉइस फैक्टर दैट इज कैपिटल एफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा टोटल, जो हमारा नॉइस फैक्टर होता है कैपिटल एफ, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन नॉइस फैक्टर ऑफ इच एंड एवरी ब्लॉक, है ना। अगर इस पहले ब्लॉक के कारण F1 हुआ, इस दूसरे ब्लॉक के कारण F2-F1/G हुआ, ठीक है, इस तीसरे ब्लॉक के कारण F3-F1/G1-G2, अगर चौथा ब्लॉक भी रहता है तो क्या होता है बेटा यहाँ पे F4-1/G1-G2-G3। मतलब जितने ब्लॉक्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, पीछे वाले ब्लॉक्स के गेन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में आते जाएंगे, और उस ब्लॉक का जो भी हमारा नॉइस फैक्टर था वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर चौथा ब्लॉक होता तो क्या हो जाता है, F4-1/G1-G2-G3, और आ जाता तो F4-F5-1/G1-G2-G3-G4। बात सबको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। सो दिस वन इज द सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज फ्रिज फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नोन एज फ्रिज फॉर्मूला, एंड बाई यूजिंग द फ्रिज फॉर्मूला, बाई यूजिंग द फ्रिज फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द नॉइस टेम्परेचर, बिकॉज वी नो दैट देयर इज सम रिलेशनशिप, बिकॉज वी नो दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलेंट टेम्परेचर एंड द नॉइस फैक्टर। सो इफ वी बाई द हेल्प ऑफ फ्रिज फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द इक्वलेंट नॉइस टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे देखो, सब एफ एफ के टर्म में दिया, F-1 F-1 के टर्म में दिया, तो इस मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सभी ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग -1 बोथ साइड, हमने सभी में एफ की जगह F-1 पुट अप कर दिया, क्लियर बात यहाँ तक, है ना बेटा। यहाँ पे भी मैंने F-1 कर दिया, यहाँ पे भी मैंने F-1 कर दिया, और यहाँ पे तो -1 -1 अवेलेबल है ही, क्लियर है। तो सभी जगह मैं -1 के फॉर्म में लिख लिया हूँ बेटा, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो इसको डायरेक्टली मैं TE/T के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये देखो, मैंने इसको भी TE/T के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको TE1/T के फॉर्म में, TE2/T के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर बात सभी को। तो सबका TT कैंसिल, जितने पार्ट में हमें डिनोमिनेटर में T30 आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर when there are the several systems that are connected into series at the time. By using this formula we can calculate the equivalent noise temperature, also by using this Friis formula we can calculate the equivalent noise factor, है ना। दिस वन इज द नॉइस फैक्टर, नॉट फिगर ऑफ मेरिट, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द टर्म्स ऑफ DB, ये हमारे DB के टर्म्स में नहीं है,
क्लियर बात? तो दिस वन इज द बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नॉइस फैक्टर। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक है, सो नाउ नॉइस फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर इन कैस्केड, नॉइस फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर इन कैस्केड। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो डेरिवेशन बताया था, यहाँ से अगर हम लोगों ने अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे एक ब्लॉक का जो भी इनपुट है वो अलग दूसरे ब्लॉक के इनपुट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक ब्लॉक का जो आउटपुट है वही वही तो अगले ब्लॉक का इनपुट बनेगा, तो अगर आप लोगों को ऊपर का डेरिवेशन समझ में आ गया है तो ये आप लोग ईजिली रिलेट कर पाएंगे आसानी से, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दिस वन इज़ द फर्स्ट ब्लॉक, इट्स गेन इज़ जी वन, इट्स नॉइस फैक्टर इज़ एफ वन, हियर द सेकेंड वन इज़ इट्स गेन इज़ जी टू, इट्स नॉइस फैक्टर इज़ एफ टू, है ना। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, व्हेन व्हेन सेवरल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन टू सीरीज एट द टाइम हाउ कैन वी कैलकुलेट द नॉइस फैक्टर, है ना, ओवरऑल नॉइस फैक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था उसी को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये कैसे आया, आप कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिखा था यही वाली इक्वेशन को, कि पहले आप ब्लॉक से पास होने के बाद जो इसका जो ओवरऑल नॉइस पावर होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू जी इंटू के टी बी। वैसे जब यहाँ पे आएगा तो एफ इंटू जी वन इंटू जी, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक ऐड होते जाएंगे पिछले ब्लॉक का गेन भी तो अगले को रिलेट करे इफेक्ट करेगा ना बेटा, है ना। तो जैसे ब्लॉक ऐड होते जाएंगे तो जितने भी गेन है वो आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ऐड होते जाएंगे। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? दिस दिस इज अवेलेबल टू द सेकेंड एम्पलीफायर एंड द सेकेंड एम्पलीफायर एज अ नॉइस F2 minus 1 into KTB ऑफ इट्स ओन एंड इट्स इनपुट ऑफ द सेकेंड एम्पलीफायर, है ना। क्योंकि हर ब्लॉक में ये वाला जो है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इस एम्पलीफायर के अंदर भी कुछ नॉइस है और साथ ही साथ इसका भी कुछ नॉइस आ रहा होगा। ध्यान देना, सभी ध्यान देना, ये एक एम्पलीफायर है, इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, है ना। ये एक एम्पलीफायर है, इसमें इनपुट तो ये वाला आएगा लेकिन इसके अंदर भी तो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, उसके कारण भी तो नॉइस प्रोड्यूस होगी। तो जब मैं इसके आउटपुट की बात करूंगा तो इसका आउटपुट साथ ही साथ इसके इंटरनल जो भी नॉइस है वो दोनों इफेक्ट करेंगे। तो साथ में यहाँ पे दोनों के एडिशन के फॉर्म में मैंने लिख लिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, दोनों के बीच में जो रिलेशन हो गया वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक समझने में? ठीक है, तो साथ ही साथ जैसे हमारा ऑर्डर बढ़ते जाएगा, जैसे नंबर ऑफ सिस्टम्स बढ़ते जाएंगे, सारे सिस्टम्स के जो भी गेन है आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आते जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे जो सेकंड के बाद में जो हमारा गेन है वो हमारे जी वन इंटू जी टू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का गेन सेकेंड वाले का गेन दोनों इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को जब हम आपस में रिलेट किए हैं, इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को जब हम आपस में रिलेट किए हैं तो ओवरऑल ये वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। और ये वही इक्वेशन है जो अभी हम लोग ऊपर फ्रिस लॉ में देखे थे ना, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि दिस वन इज़ द फ्रिस लॉ, है ना। तो अगर ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप लोगों को चेक करना है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए आप लोग इस डेरिवेशन को चेक कर सकते हैं, फ्रिस फॉर्मूला। या ऐसा अगर एग्जाम में पूछ दिया गया आपसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिस फॉर्मूला, तो फ्रिस फॉर्मूला का डेरिवेशन साथ ही साथ नॉइस फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर व्हेन सेवरल एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज कैस्केड बोथ आर सेम, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये वाले डेरिवेशन के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में ये फ्रिज वाला फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, ये वाला फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज जैसे आप लोग बना सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया इनमें से, कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो वोल्टेज के केस में कैसा होगा, जो हमारा थर्मल वोल्टेज होता है वो कैसे निकाला जाता है, थर्मल पावर होता है वो कैसे निकाला जाता है, व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज एट दैट टाइम कैसे निकाला जाता है, अगर पैरेलल होंगे तब कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट नॉइस जो हमारा एम्पलीफायर के कारण जो नॉइस प्रोड्यूस होती है वो कैसे निकाला जाता है, दिस वन इज द फ्रिस फॉर्मूला, और वी कैन से व्हेन सेवरल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज एट दैट टाइम हाउ कैन वी कैलकुलेट द नॉइस फैक्टर, उसके लिए ये इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को। सो ओवरऑल सिलेबस हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल सिलेबस हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं।
है ना, पर्सनल मेरा नंबर सभी के पास है, कुछ भी दिक्कत होगी तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ एंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, थैंक यू सो मच।